ना द नरेटर इज सेंग अगैन की आफ्टर द फर्स्ट विजिट इन वेन राइट टू मिसिज डॉलिंग्स ना अगैन डिसाइडेड टू मीट मिसज डोलिंग एट हर होम सो फिर अगेन वो क्या करते हैं फिर वहाँ पर जाते हैं नाव अ गर्ल मेट हर राइट वहाँ पर उनको कौन मिली ए गर्ल मिली एंड शी हैड ओपन द डोर और उस बच्ची ने क्या किया या उस लड़की ने क्या किया उस दरवाजे को खोला एंड she that girl was around 15 year old 15 15 year old and there that girl or the protagonist asked her if her mother was there or not so answering this question that girl said right now she has left her home for some kind of work and she was not here but after few hours she will be here and you can meet her if you want to continue or you can take some if you want to take rest you can sit here in a hall if you want to wait uh, so you can sit inside our house ओके okay. तो यहाँ पे बात हो रही है कि बच्ची जो है एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला राइट right? और ये जो बच्ची थी आ, करीब करीब पंद्रह साल की थी राइट right? और उसने दरवाज़ा खोल के पूछा कि यस टू होम यू वांट टू मीट तो इस पर जो है प्रोटागोनिस्ट उन्होंने रिप्लाई किया कि यू वांट टू मीट मिसेस डॉलिंग राइट तो उसके रिप्लाई में अगेन उस बच्ची ने कहा राइट नो शी इज़ नॉट एट होम एंड शी हैज़ लेफ़्ट अवर हाउस फॉर सम काइंड ऑफ वर्क कि वो घर पर नहीं है और वो कहीं काम पर गई हुई हैं राइट right? तो यहाँ पर वो बच्ची और एड ऑन करती है कि इफ़ यू वॉन्ट टू वेट यू कैन कम इन साइड अवर हाउस अगर आप वेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम एंड यू कैन वेट एंड सेट इन साइड अवर हाउस आप हमारे घर अंदर आ सकती हैं और वेट कर सकती हैं आगे देखते हैं कि घर के अंदर जाने का बाद घर का क्या हाल है क्योंकि यहाँ पर जो हैं प्रोटागोनिस्ट हैं या मिसेस एस की डॉटर हैं शिल फाइंड अ बिलोंगिंग डेट और उसके बाद वो क्या डिसीजन लेती हैं दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है।, है. चलिए देखते हैं एंड फाइंड आउट कि क्या होता है ओके ही द गर्ल आस्ट टू प्रोटागोनिस्ट कि वॉन्ट यू सेट डाउन क्या आप बैठेंगी नहीं प्लीज़ हैव योर सीट तो वो वहाँ उनको बैठने के लिए कहती हैं और उनके लिए क्या करती हैं उनको लिविंग रूम से हो जाते हुए वो क्या करती हैं उनके लिए एक चेयर वो क्या करती हैं पुल करती हैं और उनको वहाँ बैठने का इशारा करती है right? राइट अब बात आती है कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा उन्होंने मीन्स प्रोटागोनिस्ट ने क्या क्या देखा यहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट हैं नरेटर शी इज की शी फाउंड हर सेल्फ इन अ लिविंग रूम राइट एंड वहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी राइट right? जैसे सीलन सी बदबू आ रही थी एंड एट दैट टाइम शी वॉज फीलिंग सो बैड वेन शी केम एंड सिट ऑन इन इनसाइड द लिविंग रूम शी फाउंड दैट द द थिंग्स व सेम राइट और वो जो चीज़ें थी वहाँ पे वो उनकी ही बिलोंगिंग्स थी बट नाउ शी वॉज नॉट फाइंडिंग दैट मच इंटरेस्ट ऑन इट बिकॉज यहाँ का जो एटमोसफियर था वो इतना सीलन भरा और बदबूदार था कि उनकी जो चाह थी है ना कि शी वॉज क्यूरियस अबाउट द बिलोंगिंग्स एट एट दैट टाइम अर्लियर सॉरी अर्लियर शी वॉज क्यूरियस अबाउट द बिलोंगिंग्स बट जैसे ही वो इस कमरे में आती हैं शी वॉज टोटली अपसेट बिकॉज यहाँ पे एक जो है इस तरीके की स्मेल भरी हुई थी जिससे कि और डर्ट की वजह से डस्ट की वजह से शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल एट ऑल सो so, वह वहाँ पे देखती हैं और बैठती हैं कि सारी कटलरीज राइट सारी प्लेट्स जो उनके घर पे वॉल पे सरके से हैंग करते थे वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें वो फ्लावर वॉस सारा वहीं पर रखा हुआ है और जिस चेयर पर वो बैठी थी एट दैट टाइम द टेबल इन फ्रंट ऑफ हर हैविंग द सेम नेटेड कवर और ये नेट को किसने किया था दिस नेटेड हैज़ बिन डन बाय मिसेस एस. तो उस चीज़ को वो पहचान जाती राइट एंड शी वाज टचिंग दैट नेटेड कवर बाय हैंड और उसको वो फील करने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरी माँ का ही है ये मेरी माँ ने बनाया है बट आफ्टर सम टाइम शी केम टू अ प्लेस जहाँ पर वो थोड़ा सा क्या हो चुका था फट चुका था राइट right? तो यहाँ पे वो जो कवर था उसमें थोड़े से छेद हो चुके थे तो उसको वो टच करके देख रही थी और फील करके देख रही थी अगेन गर्ल इसी ड्यूरेशन में उनको चाय ऑफर करती है और पूछती है वुड यू लाइक टू हैव सम टी तो यहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट हैं वो थैंक यू कहती हैं इट मींस येस आई वुड लव टू हैव टी विथ यू राइट तो यहाँ पे जो बच्ची है और द गर्ल वो क्या करती हैं एक चाय के कप में उस चाय को डालती है जो उन्होंने अपने मॉम के लिए थोड़ी देर पहले बना के रखी थी कि कि आफ्टर सम टाइम शी विल कम एंड दे विल हैव हाँ देयर टी टुगेदर बट जैसे ही प्रोडक्ट आती हैं वो उनको ऑफर करती हैं और उसमें से कुछ टी वो उनको भी देती हैं और साथ में कुछ टी अपने लिए भी निकाल लेती हैं ओके okay. यहाँ पे बात आती है अगेन उस बच्ची के या उस गर्ल के फ़िज़िकल अपीयरेंस की तो अगेन नरेटर कहना चाहती हैं कि उस बच्ची का भी जो बैग था वो वैसे ही ब्रॉड था जैसे कि मिसेस डॉलिंग का हुआ करता था राइट right? तो यहाँ पे बच्ची ऑन करती हैं कि हर मदर विल बी सून राइट बैक तो वो उनका इंतज़ार कर सकती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं एक आ, हो सकता है फ्लास्क हो या आ, कोई बर्तन रखा था उसके ऊपर एक लिड रखी थी लिड के ऊपर जो उस लिड की ढक को वो जब हटाती हैं तो उस लिड को वो नोटिस करती हैं कौन प्रोटोगानिस्ट और उसके ऊपर गोल्डन कलर का काम करा हुआ था या उस पर वर्क किया हुआ था उसको वो नोटिस करती हैं राइट वहाँ पे प्रोटोगानिस्ट उनको प्रेस uh, करते हुए कहती हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लिड इज राइट ये कितना ब्यूटीफुल है तो वहाँ पर वो गर्ल जो है वो खुश हो जाती हैं और वो बताती हैं कि वे आर वी आर हैविंग सो मेनी कटलेरीज लाइक दिस तो हम इसमें पहले भी खा चुके हैं एंड शी ओपन द बॉक्स फ्राम देयर एंड वहाँ से वो कुछ स्पून्स निकालती है right? राइट तो जब वो उस बॉक्स को ओपन करती हैं तो वो बॉक्स जब प्रोटागोन देखती हैं देन शी रिमेंबर की दिस इज़ द सेम बॉक्स हर मदर वाज़ हैविंग अर्लियर राइट तो वो उनका ही बॉक्स है इट मींस कि जो कटलरीज वो निकाल रही थी विच इज़ ऑफ सिल्वर राइट वो सिल्वर की कटलरीज थी उस समय की तो ये किसकी कटलरीज हैं वो मिसेस एस की ही कटलरीज़ है राइट right? तो यहाँ पे वो तारीफ़ करती हैं वोटर नाइस बॉक्स तो यहाँ पे अगेन जो प्रोटागोनिस्ट है शिव सेंग कि उसने खुद ने ही अपनी आवाज़ सुनी ऐसा कहते हुए कि वॉट अ नाइस बॉक्स कितना खूबसूरत बक्सा है करके यहाँ पे वो एक्चुअली कुछ कहना नहीं चाहती थी अपने आप को उन्होंने रोक के रखा था अपनी फीलिंग्स को उस बच्चे के सामने लाने से बट देन ऑल्सो शी वॉज नॉट एबल टू सेट बैक फ्रॉम दैट पीरियड और सेट बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन वो अपने आप ही उनके मुंह से निकल जाता है कि आ, बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स है तो आगे इस रूम में जो आवाज़ आती रहती है वो थोड़ी स्ट्रेंज आती है एक्चुअली यहाँ पे जो नरेटर है जो प्रोटागोनिस्ट है वो कहती हैं कि ये अप्रेजल से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उन बिलोंगिंग्स को देख करके वो उन चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा था उनके मन में फीलिंग थी कि दिस इज़ ऑल दिस थिंग्स आर माइंड तो ये चीज़ें वो लोग क्यों हैंडल कर रहे हैं और आज मुझे इन लोगों को मेरी चीज़ों के लिए प्रेस करना पड़ रहा है आइए देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरीके की बातें उन दो लड़कियों के बीच में होती हैं ओके नाउ दिस इज़ अ पैराग्राफ यहाँ पे जो है वो नरेटर या ऑथर वो ये बताना चाहती हैं कि जो उनकी मॉम ने एड्रेस दिया था उनको क्या एड्रेस दिया था उन्होंने बताया था मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 सिक्स right? राइट तो ये जो एड्रेस है वो उन्होंने याद तो रखा था शी वॉज रिमेंबरिंग दैट बट शी वॉज टू लेट राइट वो बहुत लेट हो चुकी थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर कि आफ्टर द फ्रीडम ठीक है फ्रीडम के बाद उनको नॉर्मल होने में बहुत समय लगा था एज यू नो कि उनको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा था हॉलैंड से एंड उनको कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ा था राइट right? और उसके बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ी थी एट दैट टाइम शी लॉस्ट हर मदर ऑल्सो एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टू राइट तो यहाँ पर वो बताती हैं कि शी हैज़ फेस्ड सच अनाडियो ऑल्सो दैट शी वॉज नॉट हैविंग अ पीस ऑफ ब्रेड टू ईट right and right now the situation she was feeling at that time ki after the freedom ki she was earlier she was having a big house right she was rich but now the things having changed totally right now she was not having a piece of bread right एंड थिंक द वन शी टॉक्ड अबाउट हर हाउस तो वो हाउस उतना ब्यूटिफुल नहीं है या उतना जो है रिसोर्सफुल लगजूरियस नहीं है जितना पहले था राइट सो अभी उन कमियों के कारण शी लॉस्ड हर ऑल होप्स एंड शी डोंट वॉन्ट टू गो टू द्लेस वेयर मिसिज डॉलिंग लिव वेदर शी remember the address then also she don't want to go there but after few days what happened after few day, days when the things have been settling down right a normal then she was thinking about key no this is the high time where i should go to the address and meet the lady and ask about द लेडी टू टेक द पजिशन ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मादर यहाँ पे पजिशन लेना मतलब क्या होता है कि जो उनकी माँ का सम्मान था उनको वो वापस लेना चाहती थी इसलिए हम पजिशन का यूज़ कर रहे हैं राइट ना सो so यहाँ पे बात ये थी कि एट दैट टाइम दैट गर्ल और न रेटर डिसाइडेड टू गो बैक टू द एड्रेस एंड टू टेक द पोजिशन ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ हफ अ मदर मिसिस एस यहाँ पे ये यह बात हुई थी ना द नरेटर इज सेंग अगैन की आफ्टर द फर्स्ट विजिट इन वेन राइट टू मिसिज डॉलिंग्स नाउ शी अगैन डिसाइडेड टू मीट मिसिज डॉलिंग एट हर होम सो फिर अगेन वो क्या करते हैं फिर वहाँ पर जाते हैं नाव अ गर्ल मेट हर राइट वहाँ पर उनको कौन मिली ए गर्ल मिली एंड शी हैड ओपन द डोर और उस बच्ची ने क्या किया या उस लड़की ने क्या किया उस दरवाजे को खोला एंड she that girl was around fifteen year old one 15 year old, and there that girl or the protagonist asked her if her mother was there or not so answering this question that girl said right now she has left her home for some kind of work, and she was not here, but after few hours, she will be here, and you can meet her if you want to continue or you can take some if you want to take rest you can sit here in a hall if you want to wait uh, so you can sit inside our house ओके okay. तो यहाँ पे बात हो रही है कि बच्ची जो है एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला राइट right? और ये जो बच्ची थी करीब करीब पंद्रह साल की थी राइट right? और उसने दरवाज़ा खोल के पूछा कि यस टू होम यू वांट टू मीट तो इस पर जो है प्रोडक्ट उन्होंने रिप्लाई किया कि यू वांट टू मीट मिसेस डॉलिंग राइट तो उसके रिप्लाई में अगेन उस बच्ची ने कहा राइट नो शी इज़ नॉट एट होम एंड शी हैज़ लेफ़्ट अवर हाउस फॉर सम काइंड ऑफ वर्क कि वो घर पर नहीं है और वो कहीं काम पर गई हुई हैं राइट right? तो यहाँ पर वो बच्ची और एड ऑन करती है कि इफ़ यू वॉन्ट टू वेट यू कैन कम इन साइड अवर हाउस अगर आप वेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम एंड यू कैन वेट एंड सीट इन साइड आवर हाउस आप हमारे घर अंदर आ सकती हैं और वेट कर सकती हैं आगे देखते हैं कि घर के अंदर जाने का बाद घर का क्या हाल है क्योंकि यहाँ पर जो हैं प्रोटागोनिस्ट हैं या मिसेस एस की डॉटर हैं शिल फाइंड हर बिलोंगिंग्स देयर और उसके बाद वो क्या डिसीजन लेती हैं दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है चलिए देखते हैं एंड फाइंड आउट कि क्या होता है ओके द गर्ल आस्ट टू प्रोटागोनिस की वोंट यू सेट डाउन क्या आप बैठेंगी नहीं प्लीज़ हैव योर सीट तो वो वहाँ उनको बैठने के लिए कहती हैं और उनके लिए क्या करती हैं उनको लिविंग रूम से हो जाते हुए वो क्या करती हैं उनके लिए एक चेयर वो क्या करती हैं पुल करती हैं और उनको वहाँ बैठने का इशारा करती है right. राइट अब बात आती है कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा उन्होंने मीन्स प्रोटागोनिस ने क्या क्या देखा यहाँ पे जो प्रोटागोस्ट हैं और द नरेटर शी इज टेलिंग की शी फाउंड हर सेल्फ इन अ लिविंग रूम राइट एंड वहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी राइट right? जैसे सीलन सी बदबू आ रही थी एंड एट दैट टाइम शी वॉज फीलिंग सो बैड वेन शी केम एंड सिट ऑन इन इनसाइड द लिविंग रूम शी फाउंड दैट दिंग्स व सेम राइट और वो जो चीज़ें थी वहाँ पे वो उनकी ही बिलोंगिंग्स थी बट नाउ शी वॉज नॉट फाइंडिंग दैट मच इंटरेस्ट ऑन इट बिकॉज यहाँ का जो एटमोसफियर था वो इतना सीलन भरा और बदबूदार था कि उनकी जो चाह थी है ना कि शी वॉज क्यूरियस about the belongings at at that time earlier sorry earlier she was curious about the belongings but jaise hi wo is kamre mein aati hain she was totally upset because yahan pe ek jo hai इस तरीके की smell भरी हुई थी जिससे कि और dirt की वजह से dust की वजह से she was not feeling well at all सो वह वहाँ पे देखती हैं और बैठती हैं कि सारी कटलरीज राइट right? सारी प्लेट्स जो उनके घर पे वॉल पे पर से हैंग करते थे वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें वो फ्लावर वॉस सारा वहीं पे रखा हुआ है और जिस चेयर पे वो बैठी थी एट दैट टाइम द टेबल इन फ्रंट ऑफ हर हैविंग द सेम नेटेड कवर और ये नेट किसने किया था दिस नेटड हैज़ बीन डन बाय एस तो उस चीज़ को वो पहचान जाती राइट एंड शी वाज टचिंग दैट नेटेड कवर बाय हैंड और उसको वो फील करने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरी माँ का ही है ये मेरी माँ ने बनाया है बट आफ्टर सम टाइम शी केम टू अ प्लेस जहाँ पर वो थोड़ा सा क्या हो चुका था फट चुका था राइट right? तो यहाँ पे वो जो कवर था उसमें थोड़े से छेद हो चुके थे तो उसको वो टच करके देख रही थी और फील करके देख रही थी अगेन गर्ल इसी ड्यूरेशन में उनको चाय ऑफर करती है और पूछती है वुड यू लाइक टू हैव टी तो यहाँ पे जो प्रोटागोनिस्ट हैं वो थैंक यू कहती हैं इट मींस येस आई वुड लव टू हैव टी विथ यू राइट तो यहाँ पे जो बच्ची है और द गर्ल वो क्या करती हैं एक चाय के कप में उस चाय को डालती है जो उन्होंने अपने मॉम के लिए थोड़ी देर पहले बना के रखी थी कि कि आफ़्टर सम टाइम शी विल कम एंड दे विल हैव हाँ देयर टी टुगेदर बट जैसे ही प्रोडक्ट आती हैं वो उनको ऑफ़र करती हैं और उसमें से कुछ टी वो उनको भी देती हैं और साथ में कुछ टी अपने लिए भी निकाल लेती हैं ओके okay. यहाँ पे बात आती है अगेन उस बच्ची के या उस गर्ल के फ़िज़िकल अपीयरेंस की तो अगेन नरेटर कहना चाहती हैं कि उस बच्ची का भी जो बैग था वो वैसे ही ब्रॉड था जैसे कि मिसेस डॉलिंग का हुआ करता था राइट right? तो यहाँ पे बच्ची अडॉन करती हैं कि हर मदर विल बी सून राइड बैक तो वो उनका इंतज़ार कर सकती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं एक आ, हो सकता है फ्लास्क हो या आ, कोई बर्तन रखा था उसके ऊपर एक लिड रखी थी लिड के ऊपर जो उस लिड के ढक लिड को, तो को वो जब हटाती हैं तो उस लिड को वो नोटिस करती हैं कौन प्रोटोगानिस्ट और उसके ऊपर गोल्डन कलर का, का काम करा हुआ था या उस पर वर्क किया हुआ था उसको वो नोटिस करती हैं राइट वहाँ पे प्रोटोगानिस्ट उनको प्रेस uh, करते हुए कहती हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लिड इज राइट ये कितना ब्यूटीफुल है तो वहाँ पर वो गर्ल जो हैं वो खुश हो जाती हैं और वो बताती हैं कि वे आर वी आर हैविंग सो मैनी कटलेरीज लाइक दिस तो हम इसमें पहले भी खा चुके हैं एंड शी ओपनड बॉक्स फ्रॉम देयर एंड वहाँ से वो कुछ स्पून्स निकालती राइट right? तो जब वो उस बॉक्स को ओपन करती हैं तो वो बॉक्स जब प्रोटागोज देखती हैं देन शी रिमेम्बर की दिस इज़ द सेम बॉक्स हर मदर वाज़ हैविंग अर्लियर राइट तो वो उनका ही बॉक्स है इट मींस कि जो कटलरीज वो निकाल रही थी विच इज़ ऑफ सिल्वर राइट वो सिल्वर की कटलरीज थी उस समय की तो ये किसकी कटलरीज हैं वो मिसेस एस की ही कटलरीज़ है राइट right? तो यहाँ पे वो तारीफ करती हैं नाइस बॉक्स तो यहाँ पे अगेन जो प्रोटागोनिस्ट है शिव सेइंग कि उसने खुद ने ही अपनी आवाज़ सुनी ऐसा कहते हुए कि वॉट अ नाइस बॉक्स कितना खूबसूरत बक्सा है करके यहाँ पे वो एक्चुअली कुछ कहना नहीं चाहती थी अपने आप को उन्होंने रोक के रखा था अपनी फीलिंग्स को उस बच्चे के सामने लाने से बट देन ऑल्सो शी वॉज नॉट एबल टू सेट बैक फ्रॉम दैट पीरियड और सेट बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन वो अपने आप ही उनके मुंह से निकल जाता है कि uh, बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स है तो आगे इस रूम में जो आवाज़ आती रहती है वो थोड़ी स्ट्रेंज आती है एक्चुअली यहाँ पे जो नरेटर है जो प्रोटागोनिस्ट है वो कहती हैं कि ये अप्रेज़ल से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उन बिलोंगिंग्स को देख करके वो उन चीज़ों को देख करके ऐसा लग रहा था उनके मन में फीलिंग थी कि दिस इज़ ऑल दिस थिंग्स आर माइंड तो ये चीज़ें वो लोग क्यों हैंडल कर रहे हैं और आज मुझे इन लोगों को मेरी चीज़ों के लिए प्रेस करना पड़ रहा है आइए देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरीके की बातें उन दो लड़कियों के बीच में होती हैं ओके सो मीन व्हेन शी वॉज थिंकिंग अबाउट लॉ

ओके okay, तो वहाँ ये जब सोर्सेज सोचते जाती हैं तो जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचती हैं तब वहाँ पे जब वो बैठ जाती हैं एंड शी वाज़ थिंकिंग एज शी सॉ हियर एंड देयर तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको क्या करती हैं अपसेट करने लगती हैं एंड शी वाज थिंकिंग की दीज थिंग्स आर अपसेटिंग मी दे आर नॉट गिविंग मी प्लेशर एट ऑल प्लेशर मतलब सुख नहीं दे रही हैं है ना तो ये प्लेजरेबल मेमोरीज़ नहीं हुई दीज आर द सैड मेमोरीज विच आर अपसेटिंग द प्रोटोकोनिस्ट या हम कह सकते हैं विच आर अप सेटिंग द डॉटर ऑफ मिसेस एस और द नरेटर हम कह सकते हैं तो यहाँ पे वो बहुत दुख सा फील करती हैं एट द सेम टाइम क्या होता है वंस अगेन शी सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ हर वो फिर से क्या करती हैं मिसेस जॉलिंग को अपने सामने दिखती हैं अब यहाँ पे मिसेस जॉलिंग का फिजिकल अपीयरेंस वो बताना चाहती हैं राइट तो अब देखते हैं कि वो मिसेस जॉलिंग को फिजिकल अपीयरेंस को किस तरीके से बताती हैं और मिसेस डॉलिंग जो हैं उनको वो किस तरीके से डिस्क्राइब करती आइए देखते हैं मिसेस डलिंग कैसी थी नाउ शी अगेंस और मिसेस जॉलिंग इन फ्रंट ऑफ हर She said she looks like same as she saw her earlier at first time in her house right right actually uh, she told about a situation when she was uh, at her home right she uh, wake up late in the morning and she was getting down from the upstairs. ओके okay. तो वहां पे वो देखती हैं कि जो उनकी मॉम है दैट हर मॉम वाज सिटिंग विथ सामवन एंड उस समय क्या होता है कि उनकी मॉम जिनके साथ बैठ के बात करती रहती है एट दैट टाइम उस लेडी का बैग जो होता है वो उस गर्ल के सामने होता है तो शी वॉज डिस्क्राइबिंग दैट कि उनकी जो बैग थी वो बहुत ही ब्रॉड थी तो वो कह सकते हैं हम चौड़ी कमर वाली औरत थी इस स्टोरी में इसी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे जब डॉटर अराइव करती है सेम प्लेस पे तो वहाँ पे उनके जो मदर हैं वो उनको मिलाती हैं अपनी आ, बेटी से कि शी इज़ माई डॉटर एंड दिस और वो उसके बाद मिसिस डॉलिंग को क्या करती हैं मिसेस डॉलिंग को आ, बताती हैं कि शी इज़ माई डॉटर और बेटी को बताती है कि शी इज़ मिसेस डॉलिंग ना यहाँ पे क्या करती है वो मिसेस डॉलिंग को एक इशारा करती है कि यू कैन लीव द प्लेस राइट अब वहाँ पे वो बच्ची क्या देखती है दैट लेडी और वुमन विद ब्रॉड बैक स्टूड अप एंड उसने एक बड़ा सा सूट केस होल्ड ऑन किया है एंड शी वी शी इज़ मूविंग फ्रॉम हर हाउस राइट वो देखती हैं कि उस ब्रॉड बैक वाली लेडी ने एक बड़ा सा सूट केस उन, उनके घर से लिया और उसके बाद वो चली जा रही हैं बाहर और एक्चुअली जो उन्होंने उनकी ड्रेसिंग के बारे में बताया है तो उनकी ड्रेसिंग कैसी थी तो उस लेडी ने जो है एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक जो है हैट पहनी हुई थी जो कि शेपलेस थी उसका कोई भी किसी भी तरीके का शेप नहीं था तो ये उनकी अपीयरेंस या उनके गेटअप के बारे में बताया गया कि उस तरीके से उन्होंने कैसे कपड़े भी पहने हुए थे ओके नाउ हियर द गर्ल आस्क द क्वेश्चन टू अ मदर डस दिस लेडी लीव फार अवे फ्रॉम अवर हाउस ये क्वेश्चन था कि क्या ये जो लेडी हमारे घर से इतना बड़ा सूट केस लेके जा रही है डस शी लीव फार अवे फ्रॉम अवर हाउस तो यहाँ पर उनकी मॉम जो रिप्लाई करती हैं वो कहती हैं इन मार्कोनी स्ट्रीट एंड द हाउस नंबर इज़ 46 और वो ये भी कहती हैं कि हमेशा रिम्बर दैट दिस इज द एड्रेस ठीक है ये आपको रिम्बर रखना है ओके okay. ओके नाउ दिस इज़ अ पैराग्राफ यहाँ पे जो है वो नरेटर या ऑथर वो ये बताना चाहती हैं कि जो उनकी मॉम ने एड्रेस दिया था उनको क्या एड्रेस दिया था उन्होंने बताया था मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर फोर्टी सिक्स राइट तो ये जो एड्रेस है वो उन्होंने याद तो रखा था शी वॉज रिम्बरिंग दैट बट शी वॉज टू लेट राइट वो बहुत लेट हो चुकी थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर कि आफ्टर द फ्रीडम ठीक है फ्रीडम के बाद उनको नॉर्मल होने में बहुत समय लगा था एज़ यू नो कि उनको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा था हॉलैंड से एंड उनको कहीं और जाकर शिफ्ट होना पड़ा था राइट right? और उसके बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ी थी एट दैट टाइम शी लॉस्ट हर मदर ऑल्सो एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टू राइट तो यहाँ पे वो बताती हैं कि She has faced such a scenario also that she was not having a piece of bread to eat, right? And right now the situation she was feeling at that time, ki after the freedom, ki she was earlier she was having a big house, right? She was rich, but now the things have been changed totally. राइट नाउ शी वाज़ नॉट हैविंग अ पीस ऑफ ब्रेड राइट एंड द थिंग, द व्हेन शी टॉक्ड अबाउट हर हाउस तो वो हाउस उतना ब्यूटीफुल नहीं है या उतना जो है रिसोर्सफुल लग्जूरियस नहीं है जितना पहले था राइट सो अभी उन कमियों के कारण शी लॉस्ट हर ऑल होप्स एंड शी डोंट वांट टू गो टू द्लेस वेयर मिसिस डॉलिंग लीव वेदर शी remember the address then also she don't want to go there but after few days what happened after few day, days when the things have been settling down right she's a normal then she was thinking about key no this is the high time where i should go to the address and meet the lady and ask about द लेडी टू टेक द पजिशन ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मादर यहाँ पे पजिशन लेना मतलब क्या होता है कि जो उनकी माँ का सम्मान था उनको वो वापस लेना चाहती थी इसलिए हम पजिशन का यूज़ कर रहे हैं राइट ना सो यहाँ पर बात ये थी कि ऐट दैट टाइम दैट गर्ल और नरेटर डिसाइडेड टू गो बैक टू द एड्रेस एंड टू टेक द पोजिशन ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ ह ऑफ अ मदर मिसिस एस यहाँ पर यह बात हुई थी